हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ग्लोबल हेल्थ की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स में। लैक्स में नंबर्स है। इनकम 731 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 706 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 533 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 598 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 593 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 503 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंसेस, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस, दोनों के एक्सपेंसेस इंक्रीज किया। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 133 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ का और मार्च 22 क्वार्टर में 29 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 101 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 80 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। ईपीएस 3.76 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखिएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया कंसोलिडेटेड में। अगर हम लोग इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, नंबर लैक्स में है। इनकम 531 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 502 करोड़ और मार्च 22 क्वार्टर में 423 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 426 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 422 करोड़ था और मार्च 22 क्वार्टर में 372 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस इंक्रीज किया लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ है। जिसके बाद कंपनी का प्रॉफिट निकल गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 104 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 79.9 करोड़ का और मार्च 22 क्वार्टर में 50 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 80.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 858.7 करोड़ का और मार्च 22 क्वार्टर में 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। ईपीएस 3.02 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला। तो गाइस, यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट आया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी पेश किया। तो हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स से पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।